तो थर्ड एप्लीकेशन है यूनिट्स एंड डायमेंशन की, कि डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कैसे? मान लो एक कंट्री है, वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं या मास मेजर किया जाता है, कुछ भी टाइम मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। दूसरे कंट्री के लोग हैं वो कहते हैं देखो हमारे यहाँ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, ग्राम्स में और सेकंड में। ठीक है, सही है। तीसरा कंट्री कहता है देखो हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है कि तुम क्या मीटर मीटर करे जा रहे हो, सेंटीमीटर करे जा रहे हो, तो हमारे यहाँ मेजरमेंट है किस में, एफ पी एस, मतलब डिस्टेंस जो है वो फीट्स में मेजर करते हैं, पी फॉर पाउंड्स हैं और एस फॉर सेकेंड है। अब चौथा कंट्री है वो कहता है जी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम है, तो डिस्टेंस जो है वो वन बेंच उसने नाम ही लगा दिया, वन मीटर नहीं, हमारे यहाँ वन बेंच बोलते हैं। ठीक है, और टाइम को वन घड़ी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी, कुछ क्या फर्क पड़ता है, कंट्री अभी मेरा कंट्री मेरा राज है, मैं जो मर्जी बोलूँ कि कितने बज गए, चार घड़ी हो गई, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, हमें आदत नहीं है कितने बज गए, घंटे और मिनट्स में काम करते हैं, जो मर्जी नाम रखो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, अपने देश में चलाना लेकिन दूसरे देश में मत चलाना, समझेंगे नहीं वो, बस ये प्रॉब्लम है। अब ऐसे तो हर कंट्री की प्रॉब्लम है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, सारे कंट्रीज ने ये फैसला किया कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई अपने सिस्टम यूनिट मेजर करेगा। जैसे एक मान लो मैंने कहा नॉर्मली हमारे यहाँ चलता है इंडिया में भैया 5 किलो सेब देना, 5 किलो भाई हम तो ऐसे सिस्टम में भैया से बात करते हैं, 5 किलो सेब देना। लेकिन अगर मान लो कोई सीजीएस सिस्टम यूज़ करता हो अपने देश में, वो कहेगा जी 5000 ग्राम से देना जरा। ठीक है, आप इंडोनेशिया में जाओ, बाली में जाओ, वहाँ की करेंसी इतनी खतरनाक है, 1 लाख रुपए का नोट है, 1 लाख रुपए का, मतलब यहाँ 1 लाख रुपए का नोट आप एक दिन में शायद 1 करोड़ भी खर्च दोगे वहाँ पे जाके। मतलब आप ये ना सोचते 1 करोड़ रुपये खर्च दिया, खर्चना आपने मुश्किल से 10,000 ही है, पर वो जीरो बहुत लगाते हैं पीछे, मतलब वहाँ 1,000 नहीं है, वहाँ सीधा 1 लाख ही है, 1,000 1 लाख है, तो आप 10 लाख रुपए की राइड्स लेने वहाँ राइड लेने जाओ, 10 लाख रुपए लग गए आपके, अब सोचते हो यार कमाल है 10 लाख रुपया, लेकिन वो सिस्टम ऑफ यूनिट है भाई उनका, उनकी करेंसी लाखों में चलती है, स्टार्ट ही लाख में है, तो क्या करोगे बताओ। ठीक, तो फैसला ये हुआ कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टैंडर्ड माना जाएगा, और वो क्या माना गया, एम, मीटर, केजी और सेकेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम के एस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी जी एस। तो सारे ऐसे बहुत सिस्टम्स हैं, इन सभी सिस्टम में से एम के एस को फाइनल किया गया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपने देखा होगा हम कोई भी जब न्यूमेरिकल करते हैं, हमें बचपन में सिखा दिया जाता है कि भैया सेंटीमीटर है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, ग्राम है ना इसको केजी में कन्वर्ट नहीं किया, केजी में कन्वर्ट कर। भाई बंदा पूछे क्यों करूं भाई मैं केजी में, तो ग्राम में मेजर करता हूं, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एम के एस में काम करता है। कोई भी किताब उठा लो आप, सब एम के एस में काम करेंगी। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब समस्या ये है कि मान लो एस आई सिस्टम वाले फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और सीजीएस वाले डाइंस करते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइंस हैं, ये क्वेश्चन है, कन्वर्जन करनी है। सबको पता है आंसर 10 की पावर 5 है, पता है 10 की पावर 5 है, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइंस है। अब 10 की पावर 5 नंबर कहां से आया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता सकते हैं। ठीक, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स हैं, क्योंकि जूल जो है वो एस आई सिस्टम है एनर्जी का और अर्ग्स सीजीएस सिस्टम है। पर कैसे ये कन्वर्जन होती है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से करके दिखाएगा। मैं शुरू करता हूं एक एग्जांपल के साथ, एग्जांपल के अंदर पहले मैं काम करूंगा मेथड नंबर 1 फॉलो करूंगा। मेथड नंबर 1 पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, किसी ने कहा कि 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, तो मैंने पूछा भाई ये तो बता दे कि ये किसकी बात हो रही है, तो उसने कहा ये बात किसकी हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, न्यूटन डाइन तो फोर्स के यूनिट्स हैं, तो जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मुझे ये पता है कि अगर मास 1 केजी है, अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो फोर्स को क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? यही होता है 1 न्यूटन। अब ये एसआई है 1 न्यूटन, 1 केजी में कितने ग्राम्स हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया 10 रेज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर, और इसको हम क्या बोलते हैं सीजीएस में? डाइन्स। तो आंसर क्या आ गया? 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स है। अब मेथड नंबर 1 लिखो। हमने ये फॉलो नहीं करना, लेकिन ये तो ओल्ड मेथड है। हमने इसमें डायमेंशन फॉर्मूला यूज कहां किया? डायमेंशन एनालिसिस, तो एमएलटी 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 है। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 करके दिखाऊंगा, आप नोट कर लें इसे। मेथड नंबर 2 से इसको कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। ये मेथड नंबर 1 है, लेकिन हम मेथड नंबर 1 फॉलो नहीं करेंगे, मेथड नंबर 2 फॉलो करेंगे। आने पेपर में आएगा, उसमें लिखा भी होगा, एग्जाम में लिखा होता है, ये सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में जो मर्जी फॉलो करो। सब्जेक्टिव में आएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो मेथड नंबर 2 नोट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो करने से पहले क्वेश्चन वही है, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर पहले ध्यान से देखना है, फिर आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देख लें। अब मुझे एक चीज बताएं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन में, ये क्या है? एक नंबर। ये क्या है? एक नंबर। जैसे N1 कोई नंबर है, N1 क्या प्रॉब्लम है? ठीक, तो क्वेश्चन है, मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 न्यूटन स्पेस चाहिए होगी, कितने डाइन्स हैं? तो इसमें 1 एक नंबर है, लेट अस सपोज N1 जो गिवन है, और ये क्वेश्चन मार्क एक और नंबर है N2 जो कि मुझे निकालना है। N1 एक नंबर है जो गिवन है, N2 मुझे निकालना है। देखो एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर मुझे निकालना होगा। ठीक हो गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसके अंदर 1 न्यूटन, देखो ये न्यूटन है और ये डाइन्स है, दोनों की दोनों क्या है? फोर्स है। यूनिट्स फोर्स के न्यूटन है, डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो फोर्स का होता होगा। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इज LT-1। कोई कहे CGS में क्या है, मैं कहूंगा LT-1। कोई कहेगा SI में क्या है, LT-1। क्या फर्क पड़ता है? L और T की पावर विल रिमेन सेम। इसमें कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा कि L और T की पावर क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट से। उसी तरीके से ये फोर्स है, फोर्स के यूनिट जो भी होंगे, और ये जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन फोर्स का ही आएगा, एनर्जी का आ सकता है, पावर का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। जिसका भी आएगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा ही होगा, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ ए बी सी पावर तो होगी होगी। उसी तरीके से यहां पर भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा ही होगा, जिस भी क्वांटिटी की बात हो रही है, और इसकी पावर सेम होगी, क्योंकि फर्क तो पड़ नहीं रहा, चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट यहां पर क्या है SI, यहां पर क्या है CGS, फर्क तो कुछ है ही नहीं। पावर अगर MLT-2 है तो यहां पर भी MLT-2
माइनस टू है, कहने का मतलब यहां पर भी पावर एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो नंबर में चेंज आएगा लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से अगर मैंने इक्वेट करूं, पर एक प्रॉब्लम है, आपको सर भी तो कट जाएंगे दोनों के दोनों, डिवाइड होके कट जाएगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए। तो हमने एक फैसला किया कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट SI है तो हम इनको कैसे बताएंगे कि SI है या CGS है। यहां पे डाल देंगे 111, 111 सारी टर्म SI को बिलोंग करती है और 222 वाली टर्म सारी CGS को बिलोंग करती है। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा N2 का, N1 M1 रेज टू पावर M2 रेज टू पावर A, L1 बाय L2 रेज टू पावर B, T1 T2 रेज टू पावर C। ये फॉर्मूले को नोट कर लें, ये नोट करें, हर बार यही फॉर्मूला काम आएगा, इस फॉर्मूले को प्लीज पहले नोट करें, फिर इसको मैं लगा के दिखाता हूं इसको लगाना कैसे है। स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डायन्स हैं। ये लो स्टार्ट करते हैं, 1 न्यूटन में कितने डायन्स हैं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1 क्या है, N1, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, N2, ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, SI, ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, CGS। तो इसमें SI में मास, लेंथ, टाइम, N1, मास इज 1 kg स्टैंडर्ड, लेंथ इज टेकन एज 1 मीटर, दिस इज 1 सेकेंड। ये फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज हैं। तो फंडामेंटल यूनिट 1 kg है, फंडामेंटल यूनिट 1 मीटर है, फंडामेंटल 1 सेकेंड है, इससे कम नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड है। तो N1 क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1। अब इधर आ जाते हैं, M2, L2, T2, N2। तो M2 1 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेकेंड है, और N2 मुझे क्वेश्चन में निकालना है। ठीक हो गया यहां तक? इसके अंदर अब नेक्स्ट मैं एक काम करता हूं, मैं फॉर्मूला यूज करता हूं इसके अंदर, कौन सा, जो मैंने N2 का फॉर्मूला किया था। N2 का क्या फॉर्मूला है, N1 M1 M2 रेज टू पावर A, L1 L2 रेज टू पावर B एंड T1 T2 रेज टू पावर C। ठीक है यहां तक, क्लियर है यहां तक? एक बात बताओ, ये ABC क्या है, ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, बताओ, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT-2। याद रखना, जो M की पावर है, जो M की पावर है उसको क्या बोलते हैं, A। जो L की पावर है उसको क्या बोलते हैं, B। और T की पावर को C। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ABC? ABC कैसे निकला, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, यहां वैल्यूज पुट करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 1 है, M1 1 kg है, 1 ग्राम है, A की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, रेज टू पावर 1 है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है,
रेज टू पावर माइनस वन है, तो एन टू इज इक्वल टू वन, क्योंकि एन टू तो नंबर है, तो एक काम करेंगे वन केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम बाय ग्राम रेज टू पावर वन, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर वन, और एनीथिंग रेज टू पावर माइनस वन तो वन नहीं है, बात ही खत्म हो गई, तो ग्राम से ग्राम ये सब कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है 10 की पावर 5, आंसर वही है। मेथड नंबर वन ठीक है कि टू ठीक है, टू ठीक है, वन ज्यादा बेटर लग रहा है, टू ज्यादा ठीक है, आपको दिखाता हूं कैसे, आप नोट करो, आपको कई क्वेश्चन इसी में से निकाल के दिखाऊंगा, अभी देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। सी माइनस टू है, अच्छा माइनस टू ले लो, ओके माइनस टू तो भी फर्क नहीं है, वैसे सी में ज्यादा चक्कर पड़ता ही नहीं है, टाइम हमेशा सेकंड सेकंड ही चलता है, बात ही खत्म है, तो वन ही रहता है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, तो एक काम करें, जैसे मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, मेरा क्वेश्चन है अब कि वन जूल में कितने अर्ग्स है, इस मेथड से इसे करके दिखाओ, सेम मेथड है, बस ये बता दो कि ये किस क्वांटिटी की बात कर रहा है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन ना, पावर नहीं है, एनर्जी जूल वो वाट्स होता है, एम एल टू टी माइनस टू, तो एम की पावर ए है, एल की पावर बी है, टी की पावर सी है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, एबीसी चेंज हो गया, तो आपने अब कुछ नहीं करना, आपने इसमें ए बी सी चेंज कर देना है, ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ से ये हटा दिया और मेरा क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया वन, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया वन जूल में कितने अर्ग्स है, ठीक है, बस रेड कलर में नया चेंज है, तो एक तो ये चेंज है जो मैं रेड में डाल रहा हूँ और कोई चेंज नहीं, ये एस आई या ये सी जी एस है, सेम सेम कोई फर्क नहीं, नेक्स्ट ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, बस यहाँ पर पावर में फर्क है, जो पावर्स हैं वो इसमें क्या होने वाली हैं, जो पावर है ए की वैल्यू कितनी है इसमें वन और बी क्या है टू, सी क्या है माइनस टू, तो ये वन ये हो जाएगा टू ये माइनस टू, तो आंसर इसमें क्या आएगा, ठीक, तो इसमें आंसर आएगा ये है 1000 × 100 × 100, तो आंसर क्या आएगा n2 का 10 की पावर 7, समझ में आ रहा है, आप सिर्फ ये देखें कि जहां जहां रेड पेन चला है बस वही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बट डिब्बे फिक्स कर दिए, एबीसी लगाते गए, आंसर आता गया, बात समझ में आ रही है, एप्लीकेशन में 3 क्लियर है यहां तक,
क्लियर है? अब एक काम करो, जो अभी शीट में क्वेश्चन था ना, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है एसआई में, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो और करो इस तरीके से जो अभी हमने किया, और इसमें कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां तक तो इसके अंदर आपने क्या किया, एबीसी आपको पता लग गया, एसआई सीजीएस सिस्टम में वही सेम टर्म, एन1 इसमें एसआई में 6.67 इनटू -11, फॉर्मूला ये पता है आपको, एन1 की वैल्यू पुट की, 1 kg, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एबीसी की वैल्यू आपने पुट कर दिया, 1 kg को 1000 ग्राम, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, तो बस ठीक है। ये क्या बनेगा, ये ऐसे ही 1/1000, 100 × 100 × 100 × 1 सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, 10^-8 जो भी आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस एबीसी पुट करना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपके एग्जाम में या तो ऐसा आएगा या फिर ये देखो कुछ ऐसा आएगा जिसमें जिसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, 1 J/1 Erg हम कर चुके हैं और ऊपर 1 N में कितने डाइंस ये भी कर चुके हैं, ये शीट का प्रिंटआउट मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आएगा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 60 J/min ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 g, 100 cm एंड 1 मिनट एज बेस यूनिट। वो कह रहा है जी मेरे को करना ही नहीं, जी मेरे देश में 1 ग्राम होता ही नहीं, मैं तो यहाँ चलता ही 100 ग्राम में हूँ, 100 ग्राम से कम कोई चीज़ नहीं हमारे यहाँ, बात ही खत्म, तो 100 cm से कम कोई चीज़ नहीं है, और वो कह रहा है जी 1 मिनट है हमारा तो बेस यूनिट। अब क्वांटिटी क्या है, अब क्वांटिटी 60 J/min क्या है, देखो 60 J/min में मिनट को अगर आप 60 सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 1 J/s, और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, तो ये किसकी बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी जूल पर सेकंड, एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये पता लग गया ये पावर की बात हो रही है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक, सिंपलीफाई करके पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। अब वो कह रहा है कि जो पावर है वो 1 W है, और मुझे एक 1 W किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है,
SI में है और मुझे कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें ये क्वांटिटीज गिवन है। तो जो टर्म गिवन है एक काम करते हैं, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना, ML T-3 ABC आ गया, इसकी M की पावर, L की पावर, T की पावर, ABC। SI में लिखेंगे 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड और N1 1, क्योंकि पावर का SI सिस्टम क्या है 1 वॉट। सॉल्व करके क्या आ रहा है 1 वॉट। अगर हो सकता है वो वैल्यूज यहां 120 जूल देता तो यहां पे 2 वॉट्स होता, तो N1 क्या हो जाता 2, पर यहां पर क्या है 1, तो N1 की जगह क्या पुट करेंगे 1, पर N2 मुझे निकालना है। लेकिन M2 को 1 ग्राम ने पुट करेंगे, उसने बोला नहीं CGS में कन्वर्ट करो, वो कह रहा है मेरा एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर मास 1 ग्राम नहीं है, मास 100 ग्राम है, तो हमने 100 ग्राम ले लिया। जिसमें लेंथ 100 सेंटीमीटर, हमने 100 सेंटीमीटर ले लिया। जिसमें टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्विवेलेंट है, करना है कर लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं, ABC की जो फॉर्मूला है उसके अंदर वो वैसे कट हो जाएगा। तो N2 निकालना है, तो N2 का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। N2 के फॉर्मूले में N1 1 वॉट है, मास 1 kg है, ये वाला मास 100 ग्राम है सेकंड वाला, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 1 सेकंड 60 सेकंड ABC, तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर कैंसिल, और इसी तरीके से ये भी कैंसिल। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन शायद गलत है, ये कैलकुलेशन कर लेना, इस कैलकुलेशन से आपका आंसर यही आएगा, सॉल्व करके दिस इज द आंसर। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो उसने क्या किया, उसने बड़ी चलाकी से पहले क्वांटिटी को छुपा लिया, सीधा बोल सकता था कि पावर है ये, बोला नहीं उसने 1 वॉट को कन्वर्ट करो, उसने कंफ्यूज करने के लिए जूल पर मिनट दे दिया, कन्वर्ट करके पता लगा ये पावर की बात हो रही है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अब जैसे इसका प्रिंट आउट दूंगा, आप चिंता ना करो, नेक्स्ट क्लास में प्रिंट आउट मिल जाएंगे इसके, तो मैं आपको दूंगा अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, और आप ये ना सोचे नोट कहां से किया, अब आपको प्रॉब्लम दूंगा, प्रॉब्लम करके आएंगे, इसका प्रिंट आउट दूंगा आपके नोट्स में, आप इसमें लगा लेना। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। देखो चाहता तो 1 जूल की कन्वर्जन करवा सकता था, उसने क्या करवाया 100 जूल। 100 जूल कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? SI। SI के अंदर N1 कितना हुआ 100, 100 विच हैज, किसमें कन्वर्ट करना है, 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, आधा मिनट एज अ बेस यूनिट। अब 100 जूल की कन्वर्जन है, जूल का मतलब एनर्जी या वर्क डन है, एनर्जी या वर्क डन का मतलब ये फॉर्मूला है, ABC आ गया 1, 2, -2। इसके अंदर N2 का ये फॉर्मूला है, क्योंकि SI सिस्टम ऑफ यूनिट है 100 जूल, तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड 100। और CGS में उसने बोला, CGS नहीं, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास कितना लेने को बोला उसने 250 ग्राम, तो हमने 250 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम बोलता 100 ग्राम ले लेते, लेंथ क्या लेना है 20 सेंटीमीटर, टाइम क्या लेना है आधा मिनट, अब आधा मिनट क्या होता है 30 सेकेंड। N2 मुझे निकालना है, फिर से एक बार N2 का फॉर्मूला, N1 100, 1 kg 250 ग्राम, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, तो यहाँ से 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सब कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, मैं कैसे वो चेंज करता रहेगा बेस यूनिट्स, जो मर्जी करते क्या फर्क पड़ता है, जो 3 क्वांटिटी देगा हम तो उठा के वही पुट कर देंगे, बात खत्म। आइडिया क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, 1 kg 1 मीटर 1 मिनट फंडामेंटल यूनिट, तो फोर्स की वैल्यू 36 यूनिट्स है। अब न्यूटन तो बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन कब आता है, जब ये 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड होता है तब न्यूटन बोलते हैं, इसमें तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो मिनट में है, तो उसने बोला यूनिट्स है, तो चलो N1 की वैल्यू कितनी है 36। ठीक हो गया, आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू इन CGS। अब CGS देखते ही समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड N2 मुझे निकालना है, और बात किसकी हो रही है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML T-2, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। ठीक, फिर से वही सेम N2 के फॉर्मूले में N1 को पुट किया, 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर मिनट और सेकंड, ABC पुट किया 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर
60 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 बाई 60 इंटू 60, माइनस 2 है ना, तो 1 अपॉन 60 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 60 बाई 60 आंसर, लेकिन आंसर डाइन्स में आएगा क्योंकि फाइनल सिस्टम यूनिट क्या है, सीजीएस। क्या ये एप्लीकेशन समझ में आ रही है, एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन करनी है, मेथड वही है एमएलटी वाला, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक,